आज की व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे ये स्पेशल गेस्ट। चलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर फैमिली चैनल। आप लोग प्यार हमेशा मिलता है हमें और बहुत बहुत मिलता है, ऐसे प्यार बनाए रखिए। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हमारा टी ब्रेक हो रहा है इवनिंग का, अभी पी रहे हम चाय। तो अभी हम चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज इनके साथ अभी आए ये पूरा दिन नहीं थे, 5 बजे आए। तो अभी जो ब्लॉक्स अभी हम खड़े हैं रूप पे, हमारे जो घर की छत है वहाँ पे हम लोग आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे वेदर इज सो प्लीजिंग टुडे, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए चारों तरफ घटा घूम हो रही है। देखिए पहले नज़ारा दिखाता हूँ आपको सभी को, अच्छे से देखिएगा। ये देखिए ये हमारे नेबर्स है, ये बिल्डिंग बनी है जमील भाई की है। इधर आइए, ये देखिए, ये देखिए पहाड़, ये माउंटेन्स, इतनी हरियाली है यहाँ पे। बैक साइड में है रफीक भाई का मकान, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ। देखिए व्यूवर्स, इस मानसून का आए हुए आई थिंक 15 से 20 दिन हो गए हैं, बट जो जयपुर में मौसम बना है वो आज बना है मानसूनी बारिश का। आई होप बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। मौसम हुआ है अभी टाइम हुआ है आई थिंक 7:15, डेट है आज 20 जुलाई 2022, ठीक है। दिन है बुधवार और बहुत ही प्यारा मौसम होने वाला है और हो गया है आई थिंक, और रैनी बहुत ही फास्ट होने वाली है। तो हम लोग तो एंजॉय करने, हम लोग रूफ पे अभी टॉप पे आए हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। आप लोग भी इंजॉय करिए। ये अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है हमारे घर यानी शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान का। आप लोग प्यार ऐसे बना रहे हैं और देखिए ज़रूर आप लोग, ठीक है। और अब चलते हैं नाजुक पास। हेलो अस्सलामुअलैकुम, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो अभी आपने देखा ही है मीसा के पापा को, तो आज इतना अच्छा मौसम है उन्होंने आपको बता ही दिया है। तो बहुत देखो आपको यहाँ से हमारे घर से नारगढ़ क्या नारगढ़ इंग्लिश कई बार मैं बोल रही हूँ नारगढ़ किला दिखता है यहाँ से। जहाँ ये लाइट हो रही है ना, ये देखो मेरी बिल्डिंग कहाँ है, ये दिखता है लेकिन अभी गई नहीं हूँ, लेकिन सोच रहे कभी जाएंगे फुर्सत से। तो चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। सब्जी बना रही हूँ लौकी की, लेकिन एक मिनट आपको कुछ बताती हूँ मैं आपको, बहुत स्पेशल है ये। देखो ये मेरी बेटी है ना मीशा, मेरी हेल्प कर रही है झाड़ू निकालने में, रूम गंदा हो गया तो इसने। अभी भाई को चाय दे देती हूँ, भाई आ गया है अभी। ये लो भाई, ये देखो भाई चाय पी रहा है मेरा। तो मीशा झाड़ू निकाल के दिखाओ, मीशा आए करो। और ये कोई मैं मीशा को इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि वीडियो के लिए दिखा रही हूँ, ये हमेशा मेरी मदद करती है, छोटी छोटी काम भी बहुत फैलाती है, लेकिन काम का बहुत शौक है इसको। तो चलो अपन बनाते हैं लौकी की सब्जी। तो आपसे ये लौकी को काट कर अच्छे से धोकर, और हरी मिर्ची इसमें काटी है मैंने। क्यों काटी है? क्योंकि इसका जो स्वीटपन है ना वो खत्म, मतलब मीठापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और चरचराहट सी बनी हुई पालक है। तो अभी पैन गरम हो रहा है तो मैं आपसे अभी थोड़ा इसको गरम होने देते हैं, फिर इसमें डालते हैं तेल। ये देखो मैंने जीरा डाल दिया, इसमें तेल गरम हो गया था, थोड़ा सा जीरे को ब्राउन कर लेते हैं। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी 3 से 4 मिनट। पानी डाल दिया मैंने थोड़ा, तो अच्छा भुन जाएगा ये काफ़ी, तो इसको गोल्डन करने देना। प्याज नहीं डाला मैंने, आप सोच रहे हो प्याज क्यों नहीं डाला, वो भी एक सीक्रेट है वो बताती हूँ। प्याज नहीं डाला, प्याज में मतलब स्वीटनेस आती है इसमें,
लौकी में थोड़ी मीठी मीठी बनती है, प्याज डालते तब, तो मैं बिना प्याज के ही बनाती हूँ ये लौकी की सब्ज़ी। तो आप भी एक बार ट्राई करना, लौकी जब बनाओ बिना प्याज के तो बहुत अच्छी बनेगी, मतलब चरचराहट से। तो उसमें नमक डाल दिया मैंने, नमक से इसका ये मतलब जल्दी गल जाएगी। इसको भून लेना अच्छे से मिक्स कर कर, एक डेढ़ मिनट ही इसको अच्छे से मतलब पकाना है, ज़्यादा नहीं। फिर इसमें हल्दी और धनिया डाल लेते हैं, आधी चम्मच हल्दी और डेढ़ चम्मच डाला मैंने धनिया पाउडर। इसको भूनना है अपन को एक से तीन मिनट भून लेना, एक से तीन मिनट शायद, मैंने इतना ही भूना था, ज़्यादा नहीं भूना। अच्छे से भून कर अब मैंने इसमें टमाटर डाला है एक कटिंग करके, तो एक इसलिए डाली तो इसमें दही जाएगा तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, ज़्यादा टमाटर डालेंगे। अब मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर आपको लास्ट में ही डालना है ताकि अच्छी बने सब्जी। तो आप इसमें मिर्ची भूनने के बाद दही ऐड कर दें, मैंने सब्जी वाला चम्मच एक चम्मच नाप के डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपको दो से तीन मिनट अच्छे से मिलाकर, और फिर अच्छी तेज़ आग में बना लेना। भून गया फिर इसमें पालक ऐड करना अपन को, पालक ऐड करने के बाद अपन को धीमी आंच में बनाना है ताकि पालक का जितना भी पानी हो सब कुछ अच्छे से भुन जाए और बन जाए। तो हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है, थोड़ा खट्टा डाल दो, ये माहिर के पापा की जब से मैं आई हूँ ये गर्म पानी पीने की आदत अभी तक। तो हाँ फ्रेंड, कैसी लगी मेरी लौकी की सब्जी, आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं, अब हम खाना खाते हैं और इनसे पूछेंगे कैसी बनी है, उसके बाद भी बताऊंगी खाना खा के। इनको बिल्कुल पसंद नहीं खाने के टाइम मोबाइल। आज सभी बच्चे चाचू के साथ खेल रहे हैं क्योंकि आज ये छुट्टी, बहुत दिनों बाद इनको ये टाइम मिला है, बहुत दिनों बाद टाइम मिला। बहुत कैसा लग रहा बच्चों चाचू के साथ? अच्छा। हाँ तो गाइस, खाना भी हो गया है और काम भी हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं और खाने में लौकी की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी ये बोल रहे थे, इनको बहुत अच्छी लगी आज, बोल रहे बहुत अच्छी बनी है। मैंने आज बनाई भी कुछ अलग तरीके से है, मैंने उसमें प्याज नहीं डाला, प्याज डालती तो उसमें क्या मीठापन हो जाता और अच्छी नहीं लगती, तो मैंने प्याज को स्किप करके विदाउट प्याज बनाया। तो आप भी ट्राई करिएगा और इस रेसिपी। तो बस इस लोग को मैं यही एंड कर रही हूँ, कल जाएंगे हम कहीं बाहर, कहीं हल्की फुल्की जगह घूमने जाएंगे, तो इस लोग को यही एंड करते हुए, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, प्यार बांटिए, बड़ों की इज्जत करिए और अपन खुद से प्यार करिए मतलब। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट में बताना। तो अभी मैं व्लॉग एंड, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।